वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसमें हमने ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर हमने स्क्वायर कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। बट स्क्वायर रूट्स हमने जब भी निकाले तो नंबर जो थे वो हमारे नॉर्मल नंबर थे, डेसिमल नंबर्स नहीं थे। लाइक 900 का स्क्वायर रूट है तो हमने कहा 30 होगा, या 16 का स्क्वायर रूट है तो 4 होगा, एंड सो ऑन। हमने छोटे नंबर्स भी लिए, बड़े नंबर्स भी लिए, बट उसमें कहीं भी हमने डेसिमल के स्क्वायर रूट्स नहीं निकाले। सो टुडे आई विल बी गोइंग टू सॉल्व सो मेनी एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डेसिमल्स नंबर्स, राइट। प्रोसीजर वह का वही रहेगा जो हम लॉन्ग डिविजन मेथड में यूज करते हैं, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बट नंबर जो होंगे वो हमारे डेसिमल में होंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज evaluate square root of 42.25 means 4225 का तो हमने square root निकाला था, but here we have 42.25। कोई problem नहीं है, जैसे हम long division method solve करते थे वैसे कि वैसे ही हमें सॉल्व करना है, देयर इज नो चेंज एट ऑल, बट हमारा आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा बिकॉज नंबर इज इन डेसिमल, राइट। तो बहुत ही सिंपल है ये, जो हम लॉन्ग डिविजन में करते हैं क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं, वही पेयरिंग यहाँ भी होगी। जितने नंबर होंगे राइट साइड से हम पीरियड्स फॉर्म करेंगे, दो दो का हम बनाते हैं तो हमने दो ले लिया, यहाँ पर भी बाई चांस दो हैं तो ये दोनों का एक पीरियड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम जो प्रोसीजर करते हैं ऐसा नंबर चूज करेंगे कि या तो 42 आ जाए या 42 से कम आ जाए। लाइक आई वॉन्ट टू टेक 7, सो 7 7 सा हो जाएगा 49, जो हमें नहीं लेना है बिकॉज 49 इज ग्रेटर देन 42, एंड डिविजन का जो प्रोसेस होता है उसमें कभी भी हम बड़ा नंबर लेते हैं क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे एक छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हम लेंगे 6 6 6 36। इमीडिएटली मैंने आपको बताया जब भी हम लेते हैं तो वो नंबर यहाँ ऐड भी करते हैं, जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर हमें ऐड भी करना होता है, तो हमने ऐड कर दिया। अब हम 42 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमें, 6। सिंपल प्रोसीजर, वहाँ भी हम एक पीरियड या एक पेयर कॉपी करते थे, यहाँ भी हम कॉपी करेंगे, बट हमने डेसिमल के बाद वाला पीरियड कॉपी किया है तो आंसर में हमारे क्या आ जाएगा, डेसिमल। द ओनली डिफरेंस इज दिस, बाकी तो ये 4225 नॉर्मल नंबर जैसा ही हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यहाँ 12 है, हम ऐसा नंबर लेंगे जो हम यहाँ भी लें और यहाँ भी लें, तो आइदर यू कैन गेट 625 या उससे लेस, तो 125 5 6 25। परफेक्ट स्क्वायर है तो जब हम इसका रूट सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी वो कंप्लीट रूट बनेगा। सो द आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज 6.5। अब अगर आपको डाउट लग रहा है कि हमने सही किया या गलत तो यू कैन चेक ऑल्सो, 6.5 × 6.5 दो बार मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो आना चाहिए 42.25। आप मल्टीप्लाई करके इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो किया है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, राइट। बहुत ही सिंपल है, हम प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, और सारे क्वेश्चंस में हमें लॉन्ग डिविजन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है इवेलुएट 1.96 स्क्वायर रूट ऑफ 1.96, मीन्स हमारे लिए तो 196 जैसा ही सॉल्व होगा, बट डेसिमल का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। 1.96 बाय चांस अगेन यहाँ दो नंबर है, दो का एक पीरियड हो गया, यहाँ सिंगल नंबर है तो ये एक पीरियड फॉर्म हो गया, ठीक है। 1 1 1 0 हो गया रिमाइंडर, कॉपी करेंगे, डेसिमल के बाद हम कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ हमें क्या पुट करना पड़ेगा, डेसिमल, राइट। और यहाँ 1 हमें इमीडिएटली ऐड करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2, पूरा के पूरा 96 हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो हम यहाँ भी लें और यहाँ भी लें, तो या तो वो 96 है या उससे कम,
तो 24 4 96, रिमाइंडर 0 है, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल गया है. ठीक है, सो योर आंसर विल बी लाइक दिस, द स्क्वायर रूट ऑफ 1.96 इज इक्वल टू 1.4. अगेन आपको चेक करना है इन केस, तो आप 1.4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, क्योंकि स्क्वायर की क्या डेफिनेशन होती है, नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. तो ये आपको रिजल्ट देना चाहिए 1.96, एंड अगर ये दे रहा है देन यू आर एट द करेक्ट पाथ. ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है. अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे ना, नेक्स्ट इज थोड़ा सा लेंथी लेंगे हम, 6.4009, राइट. मीन्स हमारे लिए तो ये 64009 जैसा ही सॉल्व होगा, बट आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा. डेसिमल का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी प्रोसीजर आपका पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही रहेगा. सबसे पहले आप पेयरिंग करेंगे राइट साइड से, ये दो नंबर का एक पेयर बन गया, ये दो नंबर का एक पेयर बन गया, एंड ये सिंगल है. ठीक है ना, ऐसा नंबर चूज करेंगे कि या तो वो 6 दे एज ए रिजल्ट या 6 से कम. तो हम अगर 3 लेते हैं तो 3 का क्या हो जाएगा, 9, और 9 जो है 6 से ग्रेटर है, तो क्या हम 3 लेंगे, नहीं, तो हम क्या लेंगे, 2, 2 2 4. यहाँ पे हम इमीडिएटली 2 को ऐड भी कर देंगे, 6 में से 4 हुआ, 2 रिमाइंडर बचा. अब हम जो हमारा प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग एक पेयर को कॉपी करेंगे, बट हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, डेसिमल, बिकॉज क्वेश्चन इज इन डेसिमल. डेसिमल के बाद वाला पेयर हमने कॉपी किया है, तो हमें यहाँ पर इमीडिएटली क्या पुट करना होगा, डेसिमल. ठीक है, अब हमारा ये बन गया 240. 45 5 225, तो हमने क्या किया, 45 5 लिया. 6 लेते तो इससे बड़ा आता, इसलिए हमने 45 5 लिया. 240 में से 225 माइनस हुए, सो हमारे पास बचा 15, बट हम इमीडिएटली यहाँ 5 को प्लस करेंगे एंड नाउ इट इज 50. ठीक है, अब हम दूसरा पेयर उतारेंगे, दैट इज 09. अब आपका नंबर क्या बन चुका है, 1509. अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो हम यहाँ भी लें एंड यहाँ भी लें, एंड रिजल्ट जो आना चाहिए आइदर 1509 या उससे लेस. तो हम क्या करेंगे, 3 से लेंगे, 503 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1509. ठीक है, सो रिमाइंडर हो गया 0, मींस परफेक्ट स्क्वायर ये है, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया. सो योर आंसर विल बी लाइक दिस, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 2.53. एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक, करना ही चाहिए, तो आप 2.53 को 2.53 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड रिजल्ट शुड बी 6.4009, राइट. तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिए. अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम डेसिमल की पोजीशन चेंज कर देते हैं. इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 0.4225. अब हमारा डेसिमल का पोजीशन चेंज हो गया 225. राइट साइड से हमने पीरियड्स फॉर्म किए, ठीक है, कोई बात नहीं, पोजीशन चेंज हो गया. जो भी यहाँ नंबर है तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टेबल सोचेंगे. अब तो ऑब्वियस हमें 0 0s ही करना होगा, है ना, रिमाइंडर हो गया 0, एंड नाउ वी हैव टू कॉपी 42. डेसिमल के बाद कॉपी किया है तो हमें यहाँ डेसिमल पुट करना होगा, तो दिख भी रहा है क्लियरली कि 0 point something है, तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 point something में ही आएगा. ठीक है, अब यहाँ हमने 0 ऐड कर दिया, कोई सेंस नहीं है, 0 ऐड करने पे 0 ही रहेगा. 42 हमें लेके आना है, तो हम ऐसी टेबल सोचेंगे लाइक 6 6 36. अगर हम 7 लेते तो क्या होता, 7 7 49 हो जाता, जो 42 से ग्रेटर है. तो क्या हम डिवीजन में ग्रेटर लेते हैं, नहीं, तो हमने क्या किया, एक नंबर छोटा लिया, 42 में से 36 माइनस किया, सो विल गेट 6. अब हमने अगला पेयर कॉपी किया,
कॉपी किया। अब हमारा यहाँ 6 ऐड करना ज़रूरी है, तो हमने यहाँ 6 ऐड कर दिया। 6 एंड 6 इज 12। अब हम 125 × 6 = 25 एंड रिमाइंडर इज 0। तो देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया, डेसिमल पोजीशन चेंज हो गई थी फिर भी हमने सॉल्व कर लिया। सो योर रिजल्ट विल बी 0.4225 इज इक्वलेंट टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.4225 इज इक्वलेंट टू 0.65। और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें 0.65 × 0.65 तो ये रिजल्ट आना चाहिए 0.4225। तो डेसिमल का स्क्वायर रूट बिल्कुल सिमिलर है नॉर्मल जो नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उससे। बस ओनली थिंग इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ डेसिमल, हमको डेसिमल को माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हमने क्वेश्चन लिए दे ऑल वर परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए उनका रूट आ गया। लाइक हमने 16 लिया तो उसका रूट 4 आ गया, हमने 25 लिया तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 5 आ गया। मींस नंबर्स जो थे उनके स्क्वायर रूट परफेक्ट निकले। अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक हमने 2 लिया। अब 2 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, 2 का स्क्वायर रूट तो कुछ नहीं होता है, बट 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है। पहले आप डिफरेंस समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 भी आपको पता है, बिकॉज इनको जब 4 × 4 करते हैं तो हमें 16 मिल जाता है, ठीक है। बट ऐसे भी कई नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं पता है क्या होगा। ऑब्वियस है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इनके डेसिमल में आएंगे या कुछ दूसरा रिजल्ट आएगा। तो अब हम ऐसे नंबर्स लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी तक हमने जितने नंबर लिए दे ऑल वर ऑलमोस्ट ऑल वर परफेक्ट स्क्वायर। नाउ इवेलुएट स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज वेरी सिंपल। जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही हम करेंगे, बस हमें यहाँ पर जीरोस बढ़ाने होंगे। 2 के आगे डेसिमल लगा के जितने जीरो, लाइक हम 3 डेसिमल तक सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने 3 पेयर जीरो के यूज कर लिए, ठीक है। नंबर जो भी होते हैं आपके लाइक 1, 2, 3, 4, 5 इनके आगे अगर हम डेसिमल लगा दें और जीरोस जितने चाहें उतने लिख लें, क्या नंबर की आइडेंटिटी चेंज होती है? अभी भी ये 1 ही है, अभी भी ये 2 ही है, दिस इज 3। इनका एग्जिस्टेंस में कोई चेंजेस आए क्या? नहीं, हम जितने जीरो चाहें लगा दें बट अल्टीमेटली इट इज 3। हमारी मर्जी है हम यहाँ 3 जीरो लगा दें बट अल्टीमेटली इट इज 4 ओनली। तो नंबर के बाद डेसिमल लगा के हम जितने जीरो चाहें उतने यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में हम मिनिमम डेसिमल के 3 लेवल तक सॉल्व करेंगे। करने को हम अनलिमिटेड सॉल्व कर सकते हैं बट इट विल टेक मोर टाइम, तो हम मिनिमम 3 पेयर लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना था, 2 सिंगल नंबर है तो हमने उसे थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया। अभी हमारा प्रोसीजर वो का वही रहेगा, आइदर 2 लाएं या उससे कम, तो हमने 1 × 1 = 1 कर दिया, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया सो इट इज 2। अब हमने एक पेयर कॉपी किया, नाउ इट इज 100। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ 5 लेते हैं तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा, तो हमें क्या लेना होगा 4 × 24 = 4। हमें डेसिमल क्यों पुट करना होगा? क्योंकि हमने डेसिमल के बाद जीरो का पेयर कॉपी किया है, ठीक है। 24 × 4 = 96, नाउ रिमाइंडर इज 4। अगेन हमने एक पेयर कॉपी कर लिया, क्योंकि जैसा हम डिवीजन में करते हैं वैसा हम यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक ही खासियत है कि पेयर कॉपी होता है, डिवीजन में हम सिंगल सिंगल नंबर को नीचे कॉपी करते हैं, ठीक है। 400 हो गया, यहाँ हमने 4 ऐड कर दिया सो नाउ इट इज 28। अब क्या होगा, हमें ऐसा नंबर चूज करना है जो हम यहाँ भी लिखें यहाँ भी। लेट्स से मैंने 2 लिखा तो 282 हो जाएगा, 282 जो है वो बड़ा आ रहा है तो हमें 282 नहीं लेना है, हमें 1 लेना होगा, ठीक है। सो 281 × 1 = 281, यहाँ 1 ऐड कर दिया, नाउ इट इज 282 एंड इनको जब सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट जो है आपका 119 आया। अगेन हमने एक पेयर कॉपी किया, क्योंकि हम डेसिमल के 3 लेवल तक सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं बट हम
तीन मिनिमम लेवल तक कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 282 हो गया। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जो यहां भी लें और यहां भी लें, तो हमने लेट से 4 लिया, तो 2824 फोरजा होता है आपका 11296, ठीक है। फाइजा लेते तो बड़ा आ जाता, इसलिए हमने फोरजा लिया, एंड नाउ रिमाइंडर इज 604। अगर आपको लगता है कि हमें इसे और सॉल्व करना है तो आप चाहें तो पेयर्स और बढ़ा सकते हैं, डेसिमल की 5 डिजिट तक सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल की 6 डिजिट तक, बट 3 इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जनरली एग्जाम में जो आएंगे उसमें या तो लिखा ही होगा सॉल्व अप टू 3 डेसिमल्स, और नहीं भी है तो हम हमारी कन्वीनियंस के लिए मिनिमम 3 तक तो सॉल्व करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414। आप अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.414, ये एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा बिकॉज हमने डेसिमल के सिर्फ 3 डिजिट तक सॉल्व किया है, बट 2 के बहुत ही नियरेस्ट आंसर आएगा, ठीक है। 2 के नियरेस्ट क्या हुआ, 1.9999 समथिंग आएगा। आप एक्यूरेसी के लिए चाहें तो और करते जाएं, बट इतना हम सॉल्व नहीं करते, जैसा मैंने आपको बताया कि जनरली इसको 3 डेसिमल तक सॉल्व करके ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम मिनिमम 3 डिजिट तक सॉल्व कर 3 डेसिमल तक सॉल्व करेंगे। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डेफिनेटली कहेंगे अरे मैम ये तो 2 आया ही नहीं, तो ये एग्जैक्ट 2 आएगा भी नहीं बिकॉज हमने आगे अभी सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर रूट हमेशा स्टैंडर्ड ये ही मान लिया जाता है, क्योंकि इसके आगे सॉल्व करना कोई भी पसंद नहीं करता और प्रेफर भी नहीं करता, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी के साथ में यही ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 3। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, ये 2-3 स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं इसलिए मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, पेयर आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं, बट मिनिमम 3 तो हम लेंगे ही लेंगे। ये हो गया आपका नंबर, अगेन यहाँ हमें 1 से ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा जो बड़ा हो जाएगा, तो हमने 1 लिया, ठीक है। अब हम पेयर कॉपी करेंगे, जैसे ही हमने डेसिमल के बाद पेयर कॉपी किया तो वो हमें डेसिमल पुट करना होगा, ठीक है। नाउ इट इज 200। अब हम यहाँ पर डिवाइड देंगे, आई थिंक 25 5 होता है 125, 26 6 भी थोड़ा कम आएगा, तो हम लेंगे 27 7 होता है 189। 200 से लेस है मीन्स हम सही कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हुआ 11। अब हमने फिर एक पेयर कॉपी किया, यहाँ पर हमें प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ऐड भी इमीडिएटली करना होगा, सो नाउ इट इज 34। 1100 या उससे कम हमें लेके आना है तो हम 3 लेंगे, ठीक है। 343 3 होता है 1029, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट इज 71। यहाँ पर हम इमीडिएटली 3 ऐड करेंगे, सो नाउ इट इज 346। अभी भी एक पेयर बचा है हमारा, क्योंकि हम डेसिमल के 3 लेवल तक तो मिनिमम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम 2 करेंगे, यहाँ भी हम 2 लेंगे, 3462 2 होता है 6924। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आफ्टर सब्ट्रैक्शन द रिमाइंडर इज 176, और यहाँ 2 ऐड करके आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.732। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट होते तो उनको मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट 3 हमें मिलना चाहिए था। एज आई टोल्ड यू इन दिस क्वेश्चन, इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। सिमिलरली जब हम 1.732 मल्टीप्लाई बाय 1.732 चेक मेथड के लिए करेंगे तो इट विल गिव यू रिजल्ट नियर अबाउट 3, ठीक है। क्योंकि अभी तो इसको आप अनलिमिटेड सॉल्व कर सकते हैं, बट किसी में इतना पेशेंस नहीं है कि इसको आप आगे तक सॉल्व करें और जो वैल्यू आए उसे याद रख पाए, तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमेशा याद रखना है 1.72 अप्रोक्सीमेट। इवन आपको कोई क्वेश्चन में भी कहीं रूट 3 आएगा तो दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 दैट इज इक्वल टू 1.732 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं बिकॉज दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। व्हाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर जब भी बचेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होंगे, है ना। तो ये डिफरेंस जो है आपको क्लियर होना चाहिए।
एक और छोटा सा क्वेश्चन लेंगे. इवेलुएट द स्क्वायर रूट ऑफ 0.8. अब नंबर भी पॉइंट में दे दिया, मींस डेसिमल में दे दिया. नाउ द क्वेश्चन इज इवेलुएट 0.8. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 0.8 है, पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो पुट कर सकते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, तो हम मिनिमम तीन पेयर तो बनाएंगे. देखिए 1, 2, 3, तो ये वाला एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको हम हटा देते. चार पेयर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम डेसिमल के 3 को ही प्रेफर करते हैं. ये तीन पेयर बन गए एंड ये इटसेल्फ अकेला हो गया, 0, 0, 0, 0, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. हम 1, 1, 1 लेंगे क्या, नहीं, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें 0, 0, 0 ही लेना पड़ेगा. यहाँ 0 ऐड कर दिया, सो इट इज 0 एंड रिमाइंडर इज 0. अब हम 80 को कॉपी करेंगे. फर्स्ट पेयर को हमने कॉपी किया, डेसिमल के बाद कॉपी किया, तो हमने यहाँ पर डेसिमल पुट कर दिया. ठीक है, अब इट इज 80. हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो यहाँ लिखे हैं और यहाँ भी लिखे हैं, लाइक 7, 7 ज़ा 49. अभी हम और ले सकते हैं, 8, 8 ज़ा 64. हम 9 भी ट्राई कर सकते हैं, 9, 9 ज़ा, बट वो हो जाएगा 81, विच इज ग्रेटर देन 80. तो हम कहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, 8 पे, 8, 8 ज़ा 64. नाउ 80 में से 64 जब माइनस हुए तो रिमाइंडर जो हुआ 16 हुआ. अब हम पेयर कॉपी करेंगे एंड सिमिलरली यहाँ 8 को ऐड कर देंगे. ठीक है, अब ऐसा नंबर चूज करेंगे कि या तो 1600 आ जाए या उससे लेस, तो हम 9 ज़ा लेंगे. राइट, 169 9 ज़ा होता है 1521. आपको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके ट्राई करना होगा. तो अब आपका रिमाइंडर बचा 79. यहाँ 9 ऐड हो जाएगा, आफ्टर एडिंग इट विल बिकम 178. फिर एक पेयर कॉपी करेंगे, लास्ट वाला जो हमारा है, क्योंकि हम डेसिमल के 3 लेवल तक सॉल्व कर रहे हैं. अब यहाँ पर क्या होगा, 178 4 ज़ा. आप 5 ज़ा भी करके देखेंगे, बट वो डेफिनेटली इससे बड़ा आ रहा है, इसलिए हमने 4 ज़ा लिया हुआ है. और मेरे पास रिजल्ट है तो मैं उसे कॉपी कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ 4 ऐड कर देंगे और यहाँ पर ये सब्ट्रैक करने पर रिमाइंडर आएगा 764. रिमाइंडर आया, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो वैसे भी आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 देखें तो नहीं होता है, परफेक्ट कहाँ आता है, बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आता है क्योंकि परफेक्ट है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 0.894 को आप 0.894 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा 0.8. एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज हेयर इट इज लीविंग अ रिमाइंडर. रिमाइंडर जहाँ भी होगा उसका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा. सो दोस्तों, हमने डेसिमल के 5-6 क्वेश्चन किए, जिससे हमें ये क्लियर हुआ कि डेसिमल के पैटर्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे. अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.